फ्रेंड्स, वेलकम टू रितिका का ढाबा। तो आज हम बहुत ही कॉमन पर बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं, वो है ढाबा स्टाइल छोले। इसके लिए मैंने चार पीस के एकदम पतले पतले प्याज काट लिए हैं, दो टमाटर की मैंने प्योरी बना ली है और ये मैंने रात भर भिगो के चने रखे थे। और मैं कुछ मसाले में बहुत कॉमन से हैं इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, आप देख सकते हैं कितना तेल लिया है, और मैंने आँच को बिल्कुल ही तेज रखा है क्योंकि मुझे कढ़ाई को अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म करना है। अब आप देख सकते हैं तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें अभी एक चुटकी ज़ीरा डाल दूँगी, खरा ज़ीरा। उसके बाद जीरे जैसे ही चटक जाए तो मैं उसमें यहाँ पे कस्तूरी मेथी डालूँगी। कस्तूरी मेथी को कभी भी ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए वरना उसका स्वाद चला जाएगा। अब यहाँ पे जो मैंने चार प्याज काट के रखे थे वो मैं इसको आराम से तेल में डाल दूँगी। प्याज को हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है क्योंकि भुने हुए प्याज का जो स्वाद होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत प्यारा होता है। तो मैं इस प्याज को अब अच्छे से फ्राई करूँगी, ठीक है। अप्रॉक्स 10 मिनट तक इसको हमें फ्राई करना है। आँच को आप फुल फ्लेम पे रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मेरे प्याज अभी अच्छे तरीके से अभी भी नहीं भुने हैं, अभी मैं इसको और भूनूंगी। अभी लगभग 6 मिनट हो चुका है मुझे भूनते हुए प्याज को। अब देखिए यहाँ पे मेरे प्याज जो है वो सिकुड़ने लगे हैं और ये अब लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। तो अब मैं इसमें टमाटर का प्योरी, जो मैंने दो टमाटर के प्योरी बना के रखा था मैंने, वो मैं अब इसमें डाल दूँगी। टमाटर जब भी डालें तो उसके साथ नमक ज़रूर डालें क्योंकि टमाटर जो है वो नमक के साथ घुल जाता है और उसको भुनने में बहुत आसानी होती है। अब हमें यहाँ पे प्याज, टमाटर और प्याज दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। देखिए अप्रॉक्स 5 मिनट को टमाटर और प्याज भूनने के बाद आपका कुछ इस तरीके का कलर आ जाएगा, आपका टमाटर बहुत अच्छे तरीके से भून जाएगा। उसके बाद हम इसमें एक भर के चम्मच और एक आधी चम्मच, मतलब 1.5 चम्मच हम इसमें आधी और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके साथ मैं कुछ और भी मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने धनिया का पाउडर डाला है 1 स्पून भर के अप्रॉक्स। अब मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, मैं 2 चम्मच डालूंगी क्योंकि ये छोले जो है वो तीखे अच्छे लगते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्दी का पाउडर डालूंगी 1.5 चम्मच के अप्रॉक्स। अब हमें इन सब मसालों को अच्छे से भूनना है, बहुत ही अच्छे से भूनना है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब तक मसाले अच्छे से भूनते नहीं हैं उनका स्वाद निखर के नहीं आता है। तो अप्रॉक्स मैं इसको 10 मिनट तक, 8 मिनट से 10 मिनट के बीच तक मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। आप देख सकते हैं कि प्याज वगैरह सब अब घुलने लगा है और मसाले का कलर देखिए आप, कितना अच्छा एकदम निखर के आया है सब मसाला। अब मैं साइड में, जब तक हमारे मसाले हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे एक बर्तन में पानी बिठा लूँगी और इसमें मैं अप्रॉक्स 1.5 चम्मच के अप्रॉक्स मैं इसमें चाय पत्ती की डालूँगी और इस पानी को उबाल लूँगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये मसाला है वो बन चुका है। तो अब मैं इसको अच्छे से चला लूँगी। यहाँ पे देखिए आप, हमारी चाय पत्ती के पानी जो है वो उबल रही है। यहाँ पे मेरे मसाले हो चुके हैं तो मैं गैस को बंद कर दूँगी। कढ़ाई अभी गर्म है तो इसको एक बार चलाना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ पे जो पानी और चाय पत्ती है वो उबल चुकी है। यहाँ पे मैंने गैस को कम करके उसको साइड में रखा है। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर रखूँगी क्योंकि अब हम कावली चने को पकाएंगे।
अब जो मेरे फूले हुए कावली चने हैं मैं उसको कुकर में ट्रांसफ़र कर दूंगी। यहाँ पे देखिए मैंने सारे कावली चने डाल लिए हैं, अब उसमें मैं ये भुना हुआ मसाला सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दूंगी। यहाँ पे मैंने सारा भुना मसाला इसमें डाल दिया है, अब मैं इसको मुझे बंद करना है तो इसके लिए मैं इसमें पानी डालूंगी। आप ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो फिर जब आप सीटियाँ लगाएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। और अभी बिल्कुल ही कम पानी डालें, क्योंकि अभी हमें जो हमने चाय पत्ती और पानी को उबाला था वो पानी भी अभी हमें इसमें ऐड करना है। ये मैंने चाय पत्ती के पानी को छान के उसका पानी निकाल लिया है और मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ मैं बेकिंग सोडा डालूंगी। बेकिंग सोडा और चाय पत्ती के पानी का जो अल्कलाइन रिएक्शन होता है, इसकी वजह से हमारे जो कावली चने हैं वो बहुत ही अच्छे से घुलता है और उसमें जो हमारे मसाले वगैरह का जो स्वाद होता है वो अंदर तक जाता है। अब मैं कुकर को बंद कर दूंगी। यहाँ पे आप देखिए अल्कलाइन रिएक्शन आपको दिख रही है, वो बबलिंग स्टेज में आ जाता है अल्कलाइन मीडियम पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिएक्शन शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ पे एक सीक्रेट रेसिपी, जो मेरा रेसिपी है, मैं यहाँ पे बटर डालूंगी। यहाँ पे मैंने बटर डाल दिया। आप चाहें तो लास्ट में भी जब आप सीटियाँ लगा लें उसके बाद आप बटर को तड़के के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हरी मिर्ची डाल के बटर को थोड़ा गर्म करके, पर मुझे कच्चे बटर का स्वाद ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे डालना। अब मैं यहाँ पे कुकर की सीटी लगा दूँगी और इसको 7 सीटी लगने तक एकदम मीडियम से लो फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। आँच ज़्यादा ना रखें वरना सीटियाँ बहुत जल्दी जल्दी लग जाएगी और आपका जो चना है वो पकेगा ही नहीं। मैंने कुकर को ठंडा कर लिया है। कुकर को खुद से ठंडा होने दें, अदरवाइज आपके चने अच्छे से घुलेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से मेरा जो चना है वो पक गया है और इसका जो सारा प्याज था वो पूरी अच्छे तरीके से मसाले वगैरह सब घुल गए हैं। यहाँ पे सॉरी, मेरे कैमरे पे वो गर्म की वजह से भाप आ गया था जो मैंने हटा दिया। यहाँ पे आप चने को चेक करें और ध्यान से, ये गर्म होता है तो ध्यान से आप चेक करें, उसको प्रेस करके या किसी चम्मच से प्रेस करके जब आपके चने अच्छे से टूट जाएं तब समझ जाइए आपका चना अच्छे से पक गया है। अगर आपका चना ना टूटे, आपके अनुसार ना आए, तो आप यहाँ पे बंद करके 2 सीटी 3 सीटी और अपने हिसाब से लगा दीजिए, क्योंकि डिपेंड करता है कभी कभी चने के ऊपर भी। यहाँ पर मैंने शुरू में खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं लास्ट में गरम मसाले का पाउडर डालूंगी। यहाँ पे मुझे ग्रेवी और चाहिए थी तो मैंने लास्ट में पानी ऐड किया है। शुरू में इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था वो कुकर के बाहर आने लगती है। अब यहाँ पर मैं अप्रॉक्स 1 चुटकी गरम मसाला डालूंगी, इसको अच्छे से मिक्स करके, और मैं कुकर का ढक्कन बस ऊपर से ढक दूंगी ताकि इसका जो गरम मसाले की जो खुशबू है वो बाहर ना निकल जाए। कुकर का ढक्कन रख के मैं 1 मिनट के लिए बस उबाल आने दूंगी, उसके बाद फिर मैं गैस बंद कर दूंगी। आपका छोले बनके तैयार है। अब आप इसको पूरी के साथ, भटूरों के साथ या कुलचे के साथ खाइए। और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।